हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल हेयर टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज की सिलाई करके हम फिर बाद में ब्लाउज को तैयार कैसे करते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो हमारे पिन लगे थे वो हमने यहाँ पे हटा दिए। एक हमने यहाँ पे रील ली है, चौक ली है, और हम तुरपाई वाली जो सबसे छोटी सुई आती है वो हम लेंगे यहाँ पे, और इसमें लगाने के लिए हम हुक लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने 6 हुक लिए हैं इसमें लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे जितने हुक लगाना चाहें, ज़्यादातर तो 6 या 7 ही हुक इसमें लगते हैं लंबाई के हिसाब से। अगर ज़्यादा लंबा है उसके हिसाब से ज़्यादा हुक लगेंगे, अगर कम लंबाई है ब्लाउज की तो कम लगेंगे। तो यहाँ पे पहले जो गले की हमारी जो पट्टी लगी हुई है हम उसके हिसाब से यहाँ पे तुरपाई करेंगे। पहले हम सुई में धागा डालेंगे, जो तुरपाई के लिए धागा हम डालते हैं, यहाँ पे धागा डालेंगे और एक छोटा एक बड़ा हम यहाँ पे धागा रखेंगे, और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे नीचे। यहाँ पे हम नीचे गांठ लगा लेंगे और अब हम इसकी तुरपाई करेंगे। पूरा ब्लाउज आपको तैयार करके दिखाएंगे कि हम कैसे ब्लाउज यहाँ पे तैयार करते हैं पूरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी गले की पट्टी है वो अंदर की तरफ करेंगे यहाँ पे, अंदर की तरफ करके अब जो हमारी पट्टी है उसको हम यहाँ पे एक लॉक करेंगे। 2-3 बार यहाँ पे सुई यहाँ पे निकालेंगे कि जिससे कि हमारा जो मजबूत हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा हम नीचे का जो ब्लाउज का कपड़ा है वो हल्का सा लेंगे बिल्कुल, और गले की पट्टी है उसकी तरफ निकालेंगे। ऐसे हम लेंगे थोड़ा कपड़ा और फिर हम गले की तरफ निकालेंगे। तुरपाई करने का यही तरीका होता है हमारा। और यहाँ पे ये ध्यान रखें कि पीछे की साइड जो हम धागा यहाँ पे ले रहे हैं, जो पीछे की साइड हमारा छोटा छोटा आ रहा है, नहीं तो देख लें आप पहले कि छोटा आ रहा है कि बड़ा, उसी हिसाब से लें। बिल्कुल हमारा छोटा छोटा है जिससे कि हमारा ज़्यादा दिखे नहीं। अब ऐसे हम पट्टी यहाँ पे अंदर की तरफ करते जाएंगे और यहाँ पे उसकी तुरपाई करते जाएंगे। देखिए ऐसे हम पट्टी कर लेंगे अंदर की तरफ, फिर इसकी तुरपाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी तुरपाई होगी। देखिए पीछे साइड बिल्कुल भी हमारा दिख नहीं रहे, बड़ा बड़ा नहीं है, बिल्कुल अच्छी सफाई से तुरपाई हो रही है। तो ऐसे ही हम और तुरपाई करेंगे, पूरी पट्टी को हमें ऐसे ही तुरपना है। अब यहाँ पर अगर हम धीमे धीमे तुरपाई करते रहते तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अब हम जल्दी से पूरे गले की जो हमारी पट्टी है उस पर हम तुरपाई यहाँ पे कर देंगे। ऐसे ही जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि ऐसे ही तुरपाई करनी है, तो पूरे गले पर वैसे ही हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे और पूरा गला हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। देखिए पट्टी को हम सही से करते जाएंगे और यहाँ पे तुरपाई करते जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा गला है, गला देखिए बिल्कुल हमारा सेट हो गया है, पीछे का भी और आगे का भी गला। तो गला गले पे पूरी हमारी तुरपाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे आप नीचे की तरफ अगर तुरपाई करती हैं पट्टियों वहाँ कर लें। अब हम हुक के लिए यहाँ पे आई के लिए बनाने के लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इतनी इतनी दूरी से हमने यहाँ पे 6 हुक के आई बनाने के निशान लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पर रख के और थोड़ा हम यहाँ पे उंगली से यहाँ पे प्रेस कर देंगे जिससे कि दूसरी तरफ भी हमारे निशान आ जाएं। तो निशान हमारे बिल्कुल बराबर आ चुके हैं दूसरी तरफ भी, जिससे कि आपको ये नहीं होगा कि ऊपर नीचे हमारा हुक आई बन रहा है। बिल्कुल आसानी से आप बनाते जाइए और हुक लगाते जाइए और आई भी बना लीजिए। तो यहाँ पर पूरा हमारा हुक आई है कि हमने निशान लगा लिए, तो यहाँ पर हमारे 6 निशान लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सुई है उसमें हम धागा डालेंगे डबल।
अब हम इसमें डालेंगे धागा को डबल। जब हम डबल को धागा धागा डबल डालेंगे तो हम एक बार और उसको फोल्ड करेंगे तो हमारा चार जो चार धागे होते हैं वो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा हो गया है मोटा धागा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे से हम डालेंगे धागे को, सुई को नीचे से ऐसे हम डाल रहे हैं। डाल के देखिए बिल्कुल पास से दिखाएंगे आपको, नीचे से ऐसे हमने डाला धागा और ऊपर की तरफ निकालेंगे। फिर हमने निकाल ली सुई, अब हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा जितने बड़ा हमारा आई बनाना है हमें उतने हम यहाँ पे सुई पर लेंगे ऐसे करके, ऐसे धागा आप संभालते जाइए क्योंकि धागा हमारा यहाँ पे बड़ा होता है तो दिक्कत हो जाती थोड़ी। अब हम फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने जितना बड़ा आई बनाने के लिए धागा किया है ऐसे ऐसे बिल्कुल हम यहाँ पे खींच के बराबर कर देंगे। फिर वहीं से हम आई बनाने के लिए धागा करेंगे, देखिए ऐसे। अब हम इसको अंदर की तरफ से ऐसे करके यहाँ पे सुई करेंगे जिससे कि हमारी ऐसी नहीं बीच से गांठ जैसी बनती चली जाती है, जैसे धागा सुई हमारी बीच से ऐसी नीचे की तरफ से निकाल के बनाते जाएंगे। और हल्के हाथों से आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट तक खींचते जाइए हल्के हल्के हाथों से ऐसे करके। और हमारा आई बन के यहाँ पे तैयार होता जाएगा, आई बनती जाएगी हमारी, देखिए। अब हम नीचे की तरफ हमने यहाँ पे धागा निकाल लिया है, तो हमने नीचे धागा निकाल लिया। अब हम जो दूसरे आई का हमारा निशान लगा हुआ है अब हम वहाँ पे धागा डालेंगे। यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे धागा कट नहीं किया, वही धागा हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसको। और फिर हम एक बार यहाँ पे जितना बड़ा आई बनाना ऐसे करेंगे, फिर वहीं से धागा जहाँ से हमने डाला था वहीं निकालेंगे ऐसे करके। दो बार हम डबल कर लेंगे। फिर जैसे हम सुई के ऊपर से गांठ लगा के ऐसे निकालते हैं वैसे हमें धागा निकालना है। अब हम जो हमने धागा यहाँ पे किया है लंबा लंबा जितना आई बनाने के लिए, उसके ऊपर नीचे से निकाल के ऊपर से ऐसे आई बनाते धागा निकालते जाएंगे। सुई के ऊपर मोर धागा जरूर करिएगा तभी हमारा आई बनेगा। देखिए दूसरा आई भी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब जो हमारा तीसरा यहाँ पे निशान लगा हो वहीं से हम फिर धागा निकाल लेंगे ऐसे करके। फिर धागा जितना बड़ा आई बनाना है फिर हम यहाँ पे करेंगे, इससे हमारे होता क्या है टाइम भी हमारा बचता है और बार बार हमें धागा नहीं डालना पड़ता और जल्दी हमारी आई बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो धागा आप कट मत करिए और यहाँ पे ऐसे ही निकालते जाइए ऐसे करके हम आई बनाएंगे। और नीचे की तरफ धागा निकाल देंगे जब हम लास्ट में, और फिर जो हमारा निशान लगा है वहाँ पे हम धागा ले जाएंगे। ऐसे ही करके हमें सारे यहाँ पे आई बनाने हैं। तो हमें लगता होगा फ्रेंड्स आप सीख गए होंगे, तो ऐसे ही हमें पूरे आई बना के तैयार करने हैं। तो हमने यहाँ पे आई सबरे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान दूसरी तरफ लगाए हैं देखिए वहाँ पे हमें हुक लगाने हैं। तो हम एक हुक को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे हाथ से पकड़ेंगे और सुई हमारी ऐसे करके इसको हम लॉक करेंगे दो तीन बार, क्योंकि हमारा डबल होता है धागा तो हम यहाँ पे अच्छी तरीके से दो तीन बार में ही पक्का कर देते, ज़्यादा आपको पक्का नहीं करना है। और फिर यहाँ से थोड़ा हम निकाल के ऐसे, और जो हमारा इसका ऊपर का सिरा होता है वहाँ पे ऐसे लॉक करना है। देखिए ऐसे करके निकालते हुए हम यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, हो गया। अब हमें यहाँ पे धागा नहीं कट करना, अब दूसरा हुक जहाँ पे हमारा निशान लगा है वहाँ पे हमें पकड़ना है। अब हम इसको भी यहाँ पे लॉक कर देंगे ऐसे, बिल्कुल आप पहले साध लीजिए बिल्कुल, जिससे कि हमारा जो हुक है वो सध जाए
और फिर हम यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, ऐसे करके हमें लॉक करना 2-3 बार। और यहाँ से एक लंबा देंगे ऊपर की तरफ, धागा निकालेंगे और यहाँ पे इसका जो ऊपर का साइड है तो उसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। यहाँ पे हमारे हुक भी हमने लगा के आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको हुक यहाँ पे लगा के तैयार करने हैं। तो ऐसे हमें हुक लगाने हैं और ऐसे हमारे बिल्कुल बराबर पर हुक यहाँ पे लगेंगे। तो हुक पूरे लग चुके हैं हमारे, ब्लाउज तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जो बताइएगा कि आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।